हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन को बनाना है हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मींस पुट करके, वैल्यू को पुट करके हम लोग को बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किसका वैल्यू को पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर टी मानेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं लाइक टी, यहाँ पर यू भी मान सकते हैं या फिर वी भी मान सकते हैं। फिर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, देन यहाँ पर dx, तो 2x dx बराबर हो जाएगा टी का, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dt, तो इसको लिखेंगे dt, ओके। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को आई लिखना है, और क्या करना है, 2x का जगह 2x एंड dx का जगह हम लोग को dt को पुट कर देना है, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जगह हम लोग को t को पुट करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जगह हम लोग t को पुट करने वाले, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। देन 2x dx का जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dt को पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt, ओके। अब सिंपली इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में t, लॉग मॉड में टी, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, ओके। जैसे 1 बाई एक्स का भी अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इसका आंसर होता है लॉग में एक्स, ओके। सो यहाँ पर टी का वैल्यू को हम लोग लास्टली पुट करेंगे, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आंसर आ जाएगा लॉग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। तो सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करना है लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग पुट करेंगे लॉग एक्स इक्वल टू टी, उसके बाद इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स और यहाँ पर dx, तो 1 बाई एक्स dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt होगा, ओके। तो ये अगर i में अगर हम लोग पुट करेंगे इसको, तो लॉग एक्स का जगह हम लोग t मान सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t, और इसका होल स्क्वायर है तो इसलिए t का भी स्क्वायर। फिर डिवाइड में, सॉरी, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स और dx है, मीन्स 1 बाई एक्स dx, और उसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में dt, बिकॉज 1 बाई एक्स इंटू dx, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, dt है। उसके बाद i का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो t का पावर एक इंक्रीज होगा, और जितना पावर ऊपर आएगा वो नीचे भी ऐड होगा, प्लस में c। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करना है, t का वैल्यू को पुट करना है, मींस log x, t का जगह लिखना है log x, और t का पावर क्यूब है तो log x का पावर भी क्यूब हो जाएगा, देन डिवाइड में 3 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है 1 बाई x प्लस x log x, ओके। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पर x यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी x आया है, तो यहाँ पर i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस, यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा log x, ओके, और यहाँ पर dx। अब हम लोग को पुट करना है 1 प्लस log x इक्वल टू टी, मीन्स इसका वैल्यू का अगर हम लोग टी पुट करेंगे तो log x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और log x का होगा 1 by x into में dx और equal to t का डिफरेंशिएशन होगा dt। फिर हम लोग को इसका वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, मींस ये हो जाएगा i equal to integration of 1 by x into dx, 1 by x into dx का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dt और फिर 1 by, यहाँ पर 1 by, उसके बाद 1 plus log x, 1 plus log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा t। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log t, 1 by t का इंटीग्रेशन होगा log में t प्लस में कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू को हम लोग को पुट कर देना है, तो t का वैल्यू हम लोग माने हैं 1 प्लस log x, t हो जाएगा log ब्रैकेट के अंदर t का वैल्यू मींस 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और प्लस में कांस्टेंट c। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन एक्स इंटू में साइन कॉस एक्स डीएक्स, ओके। तो इसका चलिए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग को पहले पुट करना है साइन, सॉरी, कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को अगर हम लोग टी मानेंगे, मीन्स टी पुट करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और यहाँ पर डीएक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी का, हो जाएगा डी टी, ओके। अब हम लोग इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ पर होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी मान सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स को डी टी, बट माइनस साइन के साथ, तो माइनस को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साइन एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी मानेंगे, मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को
डी टी लिख सकते हैं ओके। उसके बाद यहाँ पर है साइन इंटू कॉस एक्स, तो साइन यहाँ पर लिख देंगे साइन, और इंटू में यहाँ साइन का जो एंगल है वो कॉस एक्स है, और कॉसेक कॉसेक को क्या माने हम लोग, टी माने, ठीक है, कॉस एक्स को क्या माने, टी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन टी ओके। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस में कॉस टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस में कॉस टी, और यहाँ पर प्लस सी, ये माइनस बाहर वाला का और ये साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और टी का वैल्यू को पुट करेंगे मीन्स कॉस एक्स और प्लस में सी, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो गया और कॉस, उसके बाद टी का वैल्यू को टी के जगह हम लोग क्या लिखे कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स और प्लस में सी, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी ओके। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर ये लिखेंगे साइन टू एक्स, तो इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, मीन्स ये एंगल आधा करने का फॉर्मूला है, साइन टू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आई का जगह लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो नीचे डिवाइड में भी टू देना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग खुद से टू यहाँ पर लगाते हैं टू, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी देन कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी एक्स ओके। यहाँ पर टू हमने खुद से दिया है तो टू हम लोग को डिवाइड में भी देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर वन बाय टू लिख सकते हैं ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला है टू साइन, यहाँ इसको अगर हम लोग एक्स मानेंगे तो टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, मीन्स ये वाला टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स, तो इसका जगह हम लोग अगर आई को लिखेंगे तो आई इक्वल टू ये वन बाय टू तो बाहर रहेगा, देन यहाँ इंटीग्रेशन का साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टू और एक्स का जगह ये वाला, ये एक्स का जगह आ जाएगा मीन्स ए एक्स प्लस बी और इंटू में डी एक्स। उसके बाद हम लोग को पुट करना है, पुट टू इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ओके, यानी ये वाला को हम लोग को पुट कर देना है, टू इंटू ए एक्स प्लस बी को हम लोग को टी मानना है ओके। अब इसे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग डिफरेंशिएशन से करेंगे, तो इसका अलग ये टू तो कॉन्स्टेंट, ये बाहर निकलेगा ए एक्स प्लस बी, बी का यहाँ पर जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और ए एक्स का हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर आएगा टू ए इंटू में डी एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन डी टी ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए को हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर आएगा टू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, बिकॉज यहाँ पर ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ए किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब फाइनली हम लोग आई का वैल्यू लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वन बाई टू बाहर रहेगा, यहाँ पर साइन टू ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, इसको हम लोग क्या सकते हैं साइन टू ए एक्स प्लस बी को क्या सकते हैं टी लिख सकते हैं साइन टी, और डी एक्स को क्या सकते हैं डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस टू को भी हम लोग इधर भेजेंगे तो डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई टू ए, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा डी टी और बाई में टू ए, बाई में टू ए ओके। अब इसका अगर हम लोग आगे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस में कॉस टी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू, ये जो बाहर है कॉन्स्टेंट वन बाई टू, और ये वाला टू ए को भी हम लोग बाहर लिख लेते हैं, बाहर लिख देते हैं यानी यहाँ पर टू ए वन बाई टू ए, और उसके बाद यहाँ पर साइन टी का हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और प्लस में सी ओके। फिर फाइनली हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा, आई इक्वल टू टू इंटू टू हो जाएगा फोर, यानी वन बाई फोर ए, और यहाँ पर माइनस कॉस इंटू में माइनस कॉस, और टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे मीन्स टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तो फाइनली आई का आंसर होगा वन बाई फोर ए माइनस में कॉस टू ए एक्स प्लस बी प्लस में कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन सिक्स है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का, तो इसका सॉल्यूशन होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और रूट को जो हम लोग लिख सकते हैं पावर में वन बाई टू और इंटू में डी एक्स ओके। इसके बाद हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, और जिसका पावर जो है उसमें क्या होता है एक इंक्रीज होता है मीन्स वन बाई टू प्लस वन, और जितना पावर हम लोग ऊपर लिखे है वही पावर नीचे भी आएगा वन बाई टू प्लस वन और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। बट यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे डिवाइड में, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, बिकॉज इसका हो जाएगा जीरो और ए एक्स का क्या होगा ए होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पर डिवाइड में यानी नीचे, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी
और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2 में a प्लस में c। इस 3/2 को अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये सिंपली ये जो 2 है नीचे ये ऊपर आ जाएगा। ओके जो 2 है नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा i = 2 a x + b का पावर 3/2 / 3a + c। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x√x + 2। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पुट x + 2 = t, यहाँ पर अगर x + 2 को हम लोग t मानेंगे तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dx, मीन्स 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा dx, देन यहाँ t का डिफरेंशिएशन होगा dt। ओके तो dx का जगह हो जाएगा dt। यहाँ से हम लोग अगर फाइंड करेंगे x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में तो उधर माइनस में, मीन्स टी माइनस टू, मीन्स x का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं t माइनस टू। अब अगर i को हम लोग लिखे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, तो x को हम लोग क्या सकते हैं t माइनस टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग t माइनस टू, dx को लिख सकते हैं हम लोग dt, बट उससे पहले √x + 2। तो x + 2 को अगर हम लोग t लिख सकते हैं तो यहाँ पर x + 2 को हम लोग t लिखेंगे और इसमें क्या है हॉल में रूट अंडर है तो यहाँ पर भी हम लोग रूट अंडर डाल देंगे रूट अंडर t। उसके बाद यहाँ पर dx है, dx का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली dt लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टू और t को क्या सकते हैं हम लोग 1/2 t का पावर 1/2 रूट t को लिख सकते हैं फिर इंटू में dt। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, मीन से t का पावर 1/2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 2 से, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t में एक पावर है और यहाँ पर आधा है यानी दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा t का पावर 3/2 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2 × t का पावर 1/2, यानी इस टर्म को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद ये आ जाएगा dt sin। फिर i का वैल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे फिर इसका, तो t का पावर 3/2 का हो जाएगा t का पावर 5/2 और डिवाइड में भी 5/2 क्योंकि एक इंक्रीज होगा पावर 3/2 + 1 होगा 5/2 और नीचे में भी 5/2, बट अगर इसको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ओके फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है ये बाहर रह जाएगा, टी का पावर 1/2 का हो जाएगा एक इंक्रीज होगा मीन्स टी का पावर हो जाएगा 3/2, 1/2 में एक इंक्रीज करेंगे तो 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 आएगा, बट अगर इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3, यहाँ पर इंटू का साइन होगा यहाँ हो जाएगा इंटू, ठीक है, तो 3/2 जो नीचे लिखा था इसको हम लोग ऊपर लिख दिए 2/3। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में कॉन्स्टेंट सी, अब सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टी का वैल्यू को हम लोग x + 2 पुट कर देंगे, तो आई का वैल्यू हो जाएगा i = 2/5, टी का वैल्यू क्या लिखेंगे x + 2 और 5 पावर में क्या होगा 5/2। फिर माइनस है 2 × 4 हो जाएगा 4/3 और उसके बाद टी का पावर 3/2 यानी टी का जगह क्या लिखेंगे x + 2 यानी x + 2 का पावर 3/2 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/x - √x का। ओके इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ इसके अंदर भी √x है यानी x को हम लोग क्या लिख सकते हैं √x इंटू में √x, तो यहाँ से अगर हम लोग एक √x को बाहर निकालेंगे तो ब्रेकेट के अंदर आएगा √x और यहाँ पर माइनस साइन, उसके बाद ये √x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा फिर इंटू में dx। ओके अब जो ये वैल्यू ब्रैकेट में इसको हम लोग पुट कर लेंगे तो इसका वैल्यू को पुट करेंगे t, पुट √x - 1 = t मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, इसको याद रखिएगा मीन्स √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ओके अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे ये 2 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो मीन्स अगर ये 2 यहाँ पर है तो इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मीन्स यहाँ पर डिवाइड में था 2 तो उस तरफ गया तो वो मल्टीप्लाई में चल गया। फिर i का वैल्यू फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - 1 को लिख सकते हैं t, तो यहाँ पर लिख देंगे t और यहाँ पर 1/√x · dx, 1/√x · dx दोनों सेम है और उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2dt, तो उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2dt। ओके अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बाहर हम लोग लिख सकते हैं और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log में t, 1/t का इंटीग्रेशन होगा log में t और प्लस में कांस्टेंट c,
अब फाइनली हम लोग टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी को हम लोग क्या माने थे, रूट अंडर एक्स माइनस वन, तो आई का वैल्यू आ जाएगा टू में लॉग, टी का वैल्यू को क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस वन और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वन का पावर वन बाई थ्री इंटू में एक्स का पावर फाइव डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वन को जो ब्रैकेट में लिखा है उसको हम लोग पुट कर लेंगे। तो पुट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी। ओके यहाँ से अगर एक्स क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा टी प्लस वन, यानी यह जो माइनस वन है उधर चला जाएगा टी प्लस वन। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, बिकॉज इसका जीरो हो जाएगा, और टी का डिफ्रेंशिएशन होगा डी टी। देन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से थ्री को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई में थ्री। ओके डिवाइड में थ्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि इधर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है और उधर भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई थ्री। यहाँ पर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो इधर भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। फिर क्या होगा, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैसे तो पावर ऐड हो जाएगा, देन यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर टू प्लस थ्री मीन्स फाइव, और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टी बाई थ्री। और यहाँ पर हम लोग को टी का टर्म को ही लिखना है, इसलिए एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टी प्लस वन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टी प्लस वन। अब सिंपली हम लोग आई में इस सारा वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन को हम लोग टी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टी, देन यहाँ पर इसका पावर है वन बाई थ्री, तो टी का पावर हो जाएगा वन बाई थ्री। उसके बाद है इंटू में एक्स का पावर फाइव डी एक्स, तो एक्स का पावर फाइव डी एक्स का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी बाई थ्री इंटू में टी प्लस वन। तो पहले हम लोग लिखेंगे टी प्लस वन और इंटू में डी टी, और ये वन बाई थ्री को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो वन बाई थ्री। फिर इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू वन बाई थ्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी का पावर वन बाई थ्री से, टी का पावर वन बाई थ्री को टी से, तो होगा इंटीग्रेशन का साइन टी का पावर वन बाई थ्री प्लस ये ऐड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, यानी इसमें इसका पावर होगा वन, तो वन बाई थ्री को वन ऐड हो जाएगा तो क्या होगा वन बाई थ्री प्लस वन, मीन्स हो जाएगा ये थ्री वन प्लस फोर यानी फाइव बाई थ्री, तो ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री। तो टी का पावर फाइव बाई थ्री प्लस में इसको अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टी का पावर वन बाई थ्री और उसके बाद डी टी। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो सिंपली इसका हो जाएगा वन बाई थ्री, टी का पावर फाइव बाई थ्री का अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, एक पावर ऐड होगा और वही पावर नीचे आएगा, मीन्स टी का पावर फाइव बाई थ्री प्लस वन वो होता है सेवन बाई थ्री और डिवाइड में भी सेवन बाई थ्री। ठीक है, फिर प्लस में हम लोग यहाँ इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो टी का पावर वन बाई थ्री का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर फाइव बाई थ्री और डिवाइड में भी फाइव बाई थ्री, फिर प्लस में कॉन्स्टेंट सी। इसको हम लोग इसका जगह टी का जगह हम लोग को पुट करना है एक्स क्यूब माइनस वन, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू ये वन बाई थ्री वन बाई थ्री, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा टी का पावर सेवन बाई थ्री, तो टी का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन और इसका पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग सेवन बाई थ्री, एक्स क्यूब माइनस वन पावर सेवन बाई थ्री और जो डिवाइड में सेवन बाई थ्री है और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे थ्री बाई थ्री बाई सेवन। ओके मीन्स जो सेवन बाई थ्री है डिवाइड में उसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा थ्री बाई सेवन, फिर ये प्लस का साइन प्लस, उसके बाद टी का जगह हम लोग पुट करना है क्या एक्स क्यूब माइनस वन को, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन और टी का पावर क्या है फाइव बाई थ्री है, तो इसका पावर भी आ जाएगा फाइव बाई थ्री और फिर नीचे में डिवाइड में है फाइव बाई थ्री, तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई फाइव और ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस में कॉन्स्टेंट सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का।